अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमार अली। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। सो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक, पाकिस्तानियों को इन एडवांस एंड यूके वालों को चांद रात मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने 30 रोज़े रखे हैं और बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में भी हैं 30 रोज़े। तो पिछली दफ़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक रोज़ा खा गई थी, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े पूरे हैं पाकिस्तान में भी। और हमने भी आई थिंक 2 से 3 साल बाद हमने भी ना पूरे 30 रोज़े रखे हैं। तो यार अच्छा मेरे साथ एक हो गया है प्रैंक ये हुआ है कि मैंने अपने करवाने थे कपड़े, पाकिस्तान से मंगवाए थे मैंने कपड़े अपने, और उनको करवाना था इस्त्री। लेकिन संडे में मोस्टली यूके में शॉप्स बंद होती हैं, तो जिसकी वजह से मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए। लेकिन कोई बात नहीं, इस्त्री के बगैर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नमाज़ तो मिलते हैं नमाज में, तो आपको दिखाते हैं अपनी थोड़ी बहुत चांद रात। चांद रात आप देखें कि प्रदेश में कैसी चांद रात होती है कैसी नहीं, तो आप देखें। उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह ईद की नमाज में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, व्लॉग को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। और आपसे शेयर करेंगे अपनी प्रदेश में फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है हमारा, ईद का कैसा नहीं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड जी। तो दोस्तों ये देख लें, जैसे कॉमन डेज होते हैं सारे गोरे सोए मरे हुए हैं। और हमारा जो इलाका है वैम्बली, इसमें पाकिस्तानी मुसलमान है ना जो, वो पूरे से ही हैं, ज़्यादा नहीं है अभी। लेकिन वो वैम्बली सेंट्रल की तरफ हैं, लेकिन वो इधर इतना रवाज नहीं है। कहते हैं ना अपना कंट्री पाकिस्तान अपना होता है, पाकिस्तान में तो होते तो मज़े ही और होना था। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं नमाज में। सो फाइनली गाइस अभी उठ के हैं, नाशा लिया है, कपड़े शपड़े पहन लिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने। तो यार नींद वगैरह पूरी नहीं हुई थोड़ी बहुत, अभी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आगे फिर नींद पूरी थोड़ी बहुत करेंगे, फिर आगे का सीन आपको दिखाते हैं। अभी जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, अभी देखते हैं नमाज का तरीका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे मस्जिद में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। ओ ये व्हाट्सअप जा रहे हैं, आज मौसम थोड़ा अच्छा ही है, सन बादल वगैरह नहीं बने हुए। अच्छा यार सीन ये है कि हमें अभी नमाज के टाइम का पता नहीं है अभी, लेकिन हम अंदाज़ा लगा के 8 बजे तक उधर पहुँचे हैं। तो अल्लाह करे अब टाइम यही हो। लेकिन वैसे इधर हर मस्जिद में 3 जमातें होती हैं, लेकिन देखते हैं फिर जो अल्लाह का मंजूर है वो तो होगा ना। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब भाइयों को ईद मुबारक। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए थे और हमने ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक अहमद भाई, ईद मुबारक। तो अभी ये देख लें ईद में घर में, तो वो कहते हैं ना कि घर में क्या कहते थे, घर में क्या बनती थी, घर में घर की मुर्गी दाल मुराबा, ये वाली बात। हाँ नहीं नहीं, ईद के बाद, ईद के बाद मीठी चीजें, मीठी चीजें। तो इधर देख लें, चाय है, बिस्किट है, यूके तो में चारों फ्लेवर पकड़ लिए क्या यूके में, कितना प्रोटोकॉल हमें मिलता है। हाँ बे देख लें यार। नहीं यार ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों ने रमजान में भी फुल कॉपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने इनको सादत दी है, तो ये ईद पे भी ना सब भाइयों को ना सर्व कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बड़े लकी हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी जितना हो सका हमने किया था, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आगे जितना होगा करते रहेंगे। तो अगेन आप सबको ईद मुबारक, आज से ही वाली ईद मुबारक है क्योंकि नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो नमाज के बाद ही से ईद होती है, तो अगेन आपको ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब आपको आगे। अभी क्या करना है, इसके बाद अभी जाना है काम पर,
तो अपनियाँ तैयारियाँ फाड़ लें। तो अभी हम चाय पीते हैं, चाय पी के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको आगे क्या सीन है क्या। सो फाइनली अभी चाय वगैरह से फारग हो के टॉफ़ी भी उन्होंने दी है, तो अभी टॉफ़ी तो थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, तो आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। हाँ बताते तो नहीं, वैसे आपको बता दिया अभी कि ये टॉफ़ी है, ये भी मिली है। अच्छा यार अभी आ गए हैं हम स्टोर पे, कोई थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, हम ना ख़त्म हो गए तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, तो अभी हम आ गए हैं स्टोर पे, तो उससे थोड़ी बहुत करेंगे शॉपिंग। अच्छा यार कोई चीज़ तो पसंद कोई नहीं अभी तक आई फिलहाल, तो ये एक रोटी और पैकेट लिया है और ये पानी लिया है। हाँ जी बाट साहब कैन करो अभी तो, और ये देखें वाह रोटी पैनी। ईद का सीन दिखाएं, ये देखें सारी शॉप्स बंद है। अच्छा ईद में हम फिर भी ये देखें ना, बाट साहब की मेहरबानी है माशाल्लाह, मेहरबानी आज आप आने लगी है। सन्नाटा फुल सन्नाटा जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं फाइनली हम अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं काम पे क्योंकि फर्स्ट डे है, तो काम से छुट्टी नहीं करनी आज, इधर बैंक हॉलीडे है तो ईद भी है, तो जिसकी वजह से उसने छुट्टी वगैरह करने नहीं दी जो बॉस था उसने। बॉस ने भी कहा यार हमने क्या करना था, घर घर भी फारग ही बैठना था, तो उधर जाके थोड़ा बहुत चश्मा लेते हैं। तो अभी काम पे जा रहे हैं, तो आपको पता तो है जो जो लास्ट टाइम ब्लॉग जो बनाया था काम का सेम प्रोसीजर है, तो अभी इंशाल्लाह मिलते हैं काम पे जाके, ईद वगैरह मिलते हैं अपने दोस्तों को जाके, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं काम पे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अच्छा यार एक बात देखें, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर मौसम का कोई सीन पता नहीं है, अभी आगे जब हम नमाज़ पढ़ने गए थे तो थी धूप थोड़ी बहुत, तो अभी मौसम देख लें बहुत कमाल का हो गया, परफेक्ट मौसम है जो देखें ना, वाह नज़ारे हैं। तो फाइनली अभी हम पहुँच आए हैं काम पे, तो काम पे आ जाने की एक स्पेसिफिक रीज़न भी है, वो आपको बताएंगे शाम पॉइंट पे ब्लॉग पे। तो आज मैं क्यों आया था, इम्पॉर्टेंट क्यों था, लेकिन छुट्टी कर सकते थे लेकिन क्यों इम्पॉर्टेंट था, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अभी काम पे जाके ये वगैरह मिलते हैं सब, तो फिर करते हैं अपना काम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ईद मुबारक। ईद मुबारक साहब भाई को। हमारा ईद का है फर्स्ट डे, तो अभी देख लें हम काम पे बैठे हुए हैं। ये है हमारे नबील भाई, नबील भाई ये नबील भाई हैं, लास्ट व्लॉग में मैं कह रहा था मैं आपको मिलवाऊंगा नबील भाई से। तो हमारी ईद का फर्स्ट डे क्या है ये देख लें, काम पे गुजर रहा है तो बस परदेश यही होता है, परदेश नाम है इस चीज़ का कि काम काम और सिर्फ काम। बताएं ईद किधर होती है भाई? ईद जो से है ना वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ ही है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की ईद तो नहीं है, यहाँ पे तो मजाक है बस एक, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बताया ना कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क ही नहीं है, नो डाउट इधर अर्निंग बहुत है, बहुत ज्यादा मौके बहुत है, लेकिन जो सुकून और जो घर वालों का प्यार है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं नहीं है, बिल्कुल। जी नवील भाई थोड़ा बहुत इनको बताएं यार, ईद का फर्स्ट डे है तो कैसा फील हो रहा है भाई? यूके में ईद का फर्स्ट डे का मतलब ये है कि आपने काम पर आ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत बताएं ना एक्सपीरियंस पाकिस्तान और यूके में डिफरेंस, मज़ा का। यूके में ना मतलब ये है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, नो डाउट अर्निंग बहुत है इधर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो एक फैमिली का जो करिश्मा है ना, मतलब आपकी फैमिली जब साथ हो तो सब कुछ ठीक लगता है बंदे को, वो चीज़ यहाँ पे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हर बंदा अभी या है। अच्छा ये भी बात एक होनी चाहिए कि पैसा यूके का थे मौज पाकिस्तान नहीं, हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और नबील भाई थानू कोई मसल कोई फर्क असल पता लगा हो तो थोड़ा शेयर करो, परदेशी लाइफ कैसी है कैसी नहीं? यार परदेश की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है यार, टफ है, मौज भी है लेकिन टफ है, मौज तो है ना, बिल्कुल।
ਭਾਜੀ ਯੂਕੇ ਮੌਜ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਲੰਡਨ ਹੈ तो अभी हम क्या क्या करेंगे ये बताए ना हमारा कितना बिजी डे है सर बुकिंग्स है और बस अब वेट कर रहे हैं कि कब हमारी यानी कि शाम शुरू हो जाएगी बिल्कुल तो अभी बाकी का व्लॉग तो हम कंटिन्यू मुश्किल है करें क्योंकि काम होना है तो जाहिर बात है जिसने पौन देने हैं उसने काम भी तो करना है बिल्कुल तो इंशाल्लाह अभी हम उसके बाद अगर कोई सीन बना तो आपको ज़रूर दिखाएंगे तो इतनी देर के लिए बेस्ट ऑफ लक और यार लाइक शेयर और भाई हमारे अमर भाई के चैनल को ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू भाई थैंक यू बाय बाय। सो गाइस ये था हमारा ईद का फर्स्ट डे कैसा लगा आपको कैसा आपको क्या लगना है सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी या नमाज़ पढ़ के काम पे चलेंगे तो काम से बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कहते हैं ना थोड़ा सा टाइम वो भी नहीं मिला अभी 12 हो गए हैं तो घर जा रहे हैं तो मैंने सोचा इधर अपने व्लॉग को करते हैं इंशाल्लाह सेकंड डे हम सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं बर्मिंघम में तो उधर जाकर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे तो नेक्स्ट व्लॉग आपने ज़रूर देखना है उसमें आएगा इंशाल्लाह मज़ा तो ये था फर्स्ट डे फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत बुरा गुजरा है क्योंकि काम 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 और सिर्फ काम तो आज मैं किस लिए गया था भाई थोड़े बहुत पैसे वैसे मिलने थे जिसकी वजह से मैं काम पे गया था वरना मैंने छुट्टी कर ली तो इधर करते हैं अपने व्लॉग को एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई को दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उतनी देर के लिए भाई को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।